गिरफ्तार व्यक्ति की बेटियों ने कहा कि नेपाली मूल के व्यक्ति के परिवार के बारे में कोई जानकारी न होने के कारण उनके पिता ने रीति रिवाज के अनुसार अंतिम संस्कार कर दिया था। पुलिस ने अब एक माह बाद ये मामला खोला और उनके पिता को गिरफ्तार कर लिया। हत्या का मामला बनाकर उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है। आरोपी की बेटियों ने आरोप लगाया कि पुलिस किसी के दबाव में ये कार्रवाई कर रही है। उनके पिता बेकसूर हैं और वे इंसानियत के नाते इस व्यक्ति की मदद कर रहे थे। नेपाली मूल के व्यक्ति की मौत होने पर उसका दाह संस्कार किया। अगर उसे मारना ही होता तो उसका दाह संस्कार क्यों करते। बेटियों ने कहा कि वे इस मामले में इंसाफ के लिए शिमला के एसपी और डीजीपी से भी गुहार लगाएंगे। जहाँ पे वो ढाबा और वॉशिंग सेंटर है वहाँ का नाम देवी मोड़ है और वहीं बिल्कुल साथ साथ है। 14 तारीख की शाम हमारे जो वर्कर्स हैं उनको वहां से उठाया गया और बिना किसी नोटिस के, बिना किसी एफआईआर के उनको क्या कहते हैं वहां थाने में ले जाया गया और फादर को भी वहां ले जाया गया। और जब हम वहां पे गए तो उन्होंने कहा कि इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं कहते हम। जब हमने पूछा कि क्या बात होगी तो वो कह रहे हैं कि इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। मैं किस चीज़ की इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, कहते कंप्लेंट है इन पे कि इन्होंने किसी को भी जलाया है, मर्डर किया है। तो हमने बोला, तो उन्होंने मतलब अपना जो है बता दिया था सारा कि ऐसे ऐसे हमारे पास नेपाली था तो उसको फीवर हुआ, डेथ हो गई और हमने कोरोना काल में जला दिया क्योंकि उस टाइम प्रॉपर लॉकडाउन था लगा हुआ। उनकी इन्वेस्टिगेशन चली रात के 10 बजे तक, ठीक है, क्योंकि उस दिन मैं खुद वहां थी और मैं मतलब अभी तक उनके साथ ही हूँ। रात को 10 बजे हम वहां से आए लेकिन उन्होंने कहा कि आपको सुबह आना है। हमें लगा ठीक है कोई बात नहीं, हम लोग आ जाएंगे, जब कुछ किया ही नहीं है तो आप लोग करो इन्वेस्टिगेशन। हमने उनके इन्वेस्टिगेशन में कोई दखल अंदाजी नहीं की और उस दिन भी रात के 10 बजे तक उनको वहां रखा गया, इन्वेस्टिगेशन किया गया और उनके साथ मार पिटाई भी की गई विदाउट एफआईआर। हम इतने बेवकूफ थोड़ी कि हमें कुछ पता ही नहीं, लेकिन फिर भी सोच रहे थे कोई बात नहीं करने दो, है ना। लेकिन फिर तीसरे दिन मार कुटाई भी की, लेकिन फिर तीसरे दिन और तीसरे दिन भी जो ये 16 तारीख थी, कल 16 तारीख को भी इन्होंने मतलब पूरा दिन वहां पे रखा, जबकि इन्हें 15 तारीख की शाम को बोला कि कल आपको थोड़ी देर आना है और गांव वालों के कुछ बयान होंगे कि भाई क्या जहां ये लाश जलाई गई है क्या पहले भी वहां से वहां पे मतलब इनकी लाशें क्या वहीं पे जलाई जाती है जो नेपाली आते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि वो सब कुछ हुआ है। तो कल भी इनको पूरा दिन वहां पे रखा गया। और हाँ जी, मांग क्या है आपकी? मांग तो सर ये इंसाफ चाहिए, सीधा मर्डर का केस बना दिया। कैसे किस बात का मर्डर सर, आप खुद सोचो। जब इनको कुछ नहीं मिला प्रूफ तो किसी को ऐसे ही लेके आए कि आजा भाई बोल दे सिर्फ एफआईआर करनी है। और प्रेशराइज किया गया, मारा गया, कैसे मारा गया इनको, क्यों मारा? डेथ कब हुई थी और कब सर ये हुआ? अप्रैल में हुई है 10-12 के करीब। अब मैं प्रॉपर ऐसा नहीं बता पाऊंगी क्योंकि हमें नहीं पता था कि ये मुद्दा इतना उठेगा, हमें डेटे भी याद रखनी पड़ेगी। अप्रैल महीने की बात कर रहे हैं? अप्रैल की, हाँ जी। और उसी टाइम क्रिमिनेशन हुआ? हाँ जी, अप्रैल में कोई लॉकडाउन नहीं था बड़े? नहीं अप्रैल, सॉरी पिछला महीना जो है ये कौन सा, हाँ सर सॉरी मई में 10-12 क्योंकि 1.5 महीना हो गया। और अब 1.5 महीने बाद ये बोल रहे कि क्या कहते हैं ये मर्डर है, कंप्लेंट आई है और कंप्लेंट की तौर पे ऐसे मार रहे हैं जैसे क्रिमिनल है। हुआ क्या था, डेथ के बारे में बताया, क्रिमिनेशन के बारे में बताया? सर हुआ क्या था, उसको फीवर आया था। फीवर आया था तो नॉर्मली आप लोग भी मेडिसिन लेते हो, हम भी मेडिसिन लेते हैं, तो हमने भी केमिस्ट से, मेरे फादर आए और उनको केमिस्ट वालों को कहा कि मेरा ऐसा नेपाली बीमार है, आप कुछ फीवर की दवाइयाँ दे दो उसके लिए। और उसके 3-4 दिन बाद उसकी डेथ हो गई। 302 का केस बनता ही नहीं है, आप लोग सोचो। इंसानियत भी तो कोई चीज है, अगर मर्डर किया होता तो उसकी अस्थियां ले जाते क्या, उसके लिए दवाइयां लेके जाते क्या? और मोटिव भी क्या था सर उसको मारने का?